हाय, आज हम लेक्चर में देखने जा रहे हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होती है। मतलब हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? हम इसलिए कॉन्फ़िगर करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ताकि हम अगर हमें किसी पर्टिकुलर नेटवर्क या पर्टिकुलर होस्ट को ब्लॉक या परमिट करना हो। यानी आप जैसे मैंने एक ये टोपोलॉजी बनाई हुई है। अब देखें, मैंने यहाँ पे दो राउटर कनेक्ट किए हुए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि राउटर, ये वाला जो राउटर है मेरा, जो राउटर 5 है, ये जो है इस वाले पूरे नेटवर्क को अपने पास आने से रोके, यानी ब्लॉक कर दे। तो मैं क्या करूँगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ज़रिए, कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए मैं इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर दूँगा इस पे आने से। ठीक है, फिर इसके अलावा मैं एक पर्टिकुलर होस्ट को भी ब्लॉक कर सकता हूँ। यानी मैं इस जैसे मैंने इस पूरे नेटवर्क को ब्लॉक किया, तो अब मैं इसको, इसके बजाय मैं किसी एक पर्टिकुलर होस्ट को, यानी ये पर्टिकुलर होस्ट है, इसकी एक पर्टिकुलर आईपी होगी, तो मैं इस पर्टिकुलर इस पीसी को भी ब्लॉक कर सकता हूँ इस एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ज़रिए। ठीक है, अब मैं या तो मैं इनको ब्लॉक कर सकता हूँ, या मैं पूरे, या मैं इसी तरह इस पूरे नेटवर्क को परमिट भी दे सकता हूँ, या मैं इस पर्टिकुलर वाले को परमिट भी दे सकता हूँ कि तुम सिर्फ तुम आओ, या सिर्फ तुम्हारा नेटवर्क आया मेरे पास। सही है, तो ये मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो अब हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इस वाले राउटर पर मैं पहले पूरा ये नेटवर्क ब्लॉक करूँगा 11 वाला, और फिर मैं आपको शो करूँगा पिंग करके कि क्या शो होता है। ठीक है, वेरीफाई करूँगा। फिर मैं इस पूरे जो मैंने पहले जो लगाया होगा इसको पहले हटाऊँगा, फिर मैं एक पर्टिकुलर इस वाले होस्ट को ब्लॉक करूँगा, और फिर आपको रिजल्ट शो करूँगा। तो चलिए अपनी कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सारे कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ, और पहले मैंने यहाँ पे लिखा दूँ तो इनेबल, और मैं जल्दी से कर लूँगा ये। मैं VT इंटरफेस मैंने जल्दी से लिखा S0/0/0, मैं जल्दी से इसको ऑन कर लूँगा। और मैंने यहाँ पे लिखा IP एड्रेस तो 10.10.1, और मैंने यहाँ पे लिखा इसका सबनेट मास्क और नो शट डाउन, और जल्दी से मैं 0.0.0 एक्सेस कर लेता हूँ। मैंने लिखा G0/0, और मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया। आईपी एड्रेस दे दूँगा मैं यहाँ पे 11.0.0.1, और यहाँ पे मैं इसका सबनेट मास्क दे दूँगा। ठीक है, और नो शट डाउन की कमांड चला देता हूँ। यहाँ पे मैंने नेटवर्क दे दिया है। जल्दी से अब मैं पीसी को आईपीस दे देता हूँ अपने इस राउटर 4 के, और मैं यहाँ पे आया और इसके डेस्कटॉप पे आया। यहाँ पे मैंने आईपी दे दी पहले 11.0.0.2, और इसका सबनेट मास्क, और इसके बाद डिफ़ॉल्ट जो मैंने अभी राउटर पे कॉन्फ़िगर की थी आईपी वो। ठीक है, इसके बाद मैं IPC4 पे भी जल्दी से यही काम कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आईपी दे देता हूँ 11.0.0.3, और यहाँ पे मैं इसका डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ जो मैंने राउटर में कॉन्फ़िगर किया था। ठीक है, इसके बाद जल्दी से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे आ गया इसके CLI मोड में, और यहाँ पे लिखा नो, यहाँ पे लिखा इनेबल, और यहाँ पे कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे मैं इंटरफेस कॉल कर लेता हूँ SE001 S001, और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, और यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.0.2, और यहाँ पे इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ नो शट डाउन, और यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेता हूँ इंटरफेस G00 को जल्दी से G00, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ आईपी एड्रेस दे देता हूँ जल्दी से, यहाँ पे मैं दे देता हूँ 12.0.0.1, और यहाँ से सबनेट मास्क दे देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ नो शट डाउन। सही है, तो अभी हमने सारे कनेक्शन ऑन कर लिए हैं। अब देख लेते हैं पिंग। अच्छा, मैं इसको आईपी दे देता हूँ पहले, फिर पिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आईपी दे दी इसको 12.0.0.2, और यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट दे दिया जो मैंने अभी राउटर पे दिया था आईपी। तो यहाँ पे ये कर लिया। अब मैं पिंग कर लेता हूँ इसी को। यहाँ मैं पिंग करने गया, और मैंने लिखा पिंग 11.0.0.2, तो देखते हैं पिंग होता है नहीं। तो टाइम आउट हो गया, टाइम आउट हो गया है, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। टाइम आउट हो गया फिर से, फिर रीचेबल होस्ट, अनरीचेबल होस्ट, अनरीचेबल। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने अभी सिर्फ कनेक्शन ऑन किए थे, मैंने अब ये नहीं बताया। अब जैसे मैंने इस राउटर का थोड़ी बताया कि यहाँ पे 12 का नेटवर्क चल रहा है, अब मैंने इस राउटर का थोड़ी बताया कि वहाँ पे भाई 11 का नेटवर्क चल रहा है। तो अब मुझे बताने के लिए मैं यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग का यूज़ करूँगा, और स्टैटिक राउट के ज़रिए बताऊँगा। ठीक है, तो मैं पहले इस वाले राउटर को ओपन कर लेता हूँ, और मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईपी रूट, कहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन, यानी 12।
यानी मेरी डेस्टिनेशन है 12, ये हम पहले कर चुके हैं स्टैटिक राउटिंग में तो आपको याद होगा, और फिर उसका सबनेट मास्क, और फिर किस हॉप से गुजर के जाएगा 10.0.0.2, तो मैंने वो लिख दिया, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है, ये मैंने बता दिया राउटर 4 को बल्कि इस वाले राउटर को बता दिया कि भाई ये तुम्हें इधर तक जाना है 12 वाले नेटवर्क तक, और किस हॉप से होते हुए जाना है 10.0.0.2 से, ठीक है। अब इसी तरह मैं इसको बताऊँगा, तो मैं यहाँ पर जल्दी से एग्जिट करता हूँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आईपी रूट, और उसको बताता हूँ डेस्टिनेशन कौन सी है मेरी यहाँ पे 11.0.0.0, ठीक है 11.0.0.0, और यहाँ पे मैं इसका सबनेट मास्क दे देता हूँ, और क्या बताता हूँ किस हॉप से गुजर के आना है 10.0.0.1, और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ठीक है। तो अब दोनों को पता चल गया, तो अब मैं पिंग करके देखता हूँ, तो देखिएगा पिंग हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है, ये देखें अब मैसेज इसने रिप्लाई करना शुरू कर दिया, तो यानी अब हमारा कनेक्शंस तो सारे इस्टेब्लिश हो गए, वर्क भी कर रहे हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं अपने इस राउटर पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे अब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट कॉन्फ़िगर करूँगा। अब मैं पहले क्या करूँगा कि पूरे ये जो मेरा 11 का नेटवर्क है जिसमें ये दो पीसीस हैं, ये सबको ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है, पूरे 11 के नेटवर्क को ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है। अब वो मैं किस तरह करूँगा तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम कमांड इसमें लगाते हैं वो होता है एक्सेस लिस्ट 1। अब ये 1 क्या है, अब देखें इसकी रेंज होती है 1 से 99 तक, तो आप कोई भी एक ले सकते हैं इसके दरमियान, ये स्टैंडर्ड ACL की लिस्ट होती है, तो आप इसके दरमियान कोई भी ले सकते हो, तो मैं यहाँ 1 ले रहा हूँ, और फिर आगे लिखते हैं हम एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई, ठीक है। तो मुझे कौन सा क्या जो डिनाई करना है, इस पूरे नेटवर्क को डिनाई करना है, तो डिनाई करने के लिए मैं नेटवर्क के यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, और फिर इसके बाद मैं क्या लिखूँगा, सबनेट्स नहीं लिख, सबनेट मास्क नहीं लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क लिखूंगा, सही है, तो वाइल्ड कार्ड मास्क लिखूंगा यहाँ पे इसका सबनेट मास्क, तो इसका हो जाएगा 255.0.0.0, ठीक है, या सबनेट मास्क क्या हो जाएगा 0.255, इसका उलट हो जाएगा, जैसे बताया सबनेट मास्क का, तो 255.255, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक और कमांड चलाऊँगा यहाँ पे, जो हम कहते हैं एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी। अब ये कमांड क्या बता रही है इसको कि भाई तुमने 11 तो ब्लॉक कर दिया, ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और नेटवर्क आया तो उसको परमिट दे देना, ठीक है, ये मैंने एक कमांड चला दी। अब मैं कौन सी कमांड चलाऊंगा, अब मुझे कहाँ पे ब्लॉक करना है, कहाँ पे आने से ब्लॉक करना है, मुझे इस इंटरफेस से आने से ब्लॉक करना है, ठीक है, यानी इस नेटवर्क में नहीं आया ये, तो मैं क्या करूँगा इंटरफेस S001 लिखूँगा, ठीक है, और अब एंड में क्या करते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं। अब ग्रुप कैसे करते हैं, IP एक्सेस लिस्ट, सही है, ग्रुप, सॉरी एक्सेस ग्रुप होता है 1 in, यानी मैंने इसको पूरा ग्रुप बना दिया, जो मैंने डिनाई किया और परमिट किया इसको एक ग्रुप बना दिया, और इसको ग्रुप 1 का नाम दे दिया, और इसको ऑन कर दिया, तो अब क्या हो गया मेरा ये ACL लग चुका है, ठीक है। अब मैं ज़रा इसको पिंग करके देखता हूँ यहाँ PC5 से पिंग होता है या नहीं होता, तो अब देख लेते हैं, पिंग अब नहीं होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, अब देख लेते क्या होता है, क्योंकि मैंने पूरा 11 का नेटवर्क अब ब्लॉक कर दिया, तो टाइम आउट हो गया, फिर टाइम आउट हो गया, फिर टाइम आउट हो गया, फिर टाइम आउट हो गया, यानी कोई भी मैसेज जो है वो नहीं आया। तो अब क्या करेंगे हम, अब मैंने ये आपको करके दिखा दिया कि डिनाई कर पूरे नेटवर्क को किस तरह डिनाई करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसी एक पर्टिकुलर होस्ट को किस तरह डिनाई करते हैं। अब मैं यहाँ पे PC3 को डिनाई करूँगा, यानी इस पे जो IP लगी हुई 11.0.0.2, सिर्फ उसको डिनाई करूँगा। वो किस तरह करूँगा, सबसे पहले मैं राउटर 2 पे जाऊँगा दोबारा, और राउटर 5 पे, और यहाँ पे लिखूँगा एग्जिट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले जो मैंने पहले एक्सेस से बनाए हुए हैं, एक्सेस लिस्ट मैंने जो बनाई है पहले उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अब नई कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ, तो पहले उसको डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से इंटरफेस पे जाऊँगा जो मैंने S001 पे लगाई थी, और इसके बाद मैं लिखूँगा नो IP एक्सेस ग्रुप 1 in, ठीक है, यानी
इंटरफेस 0.0 पे जो तुमने ग्रुप बनाया था उसको हटा दो, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। फिर मैंने बोला नो एक्सेस लिस्ट, और जो एक्सेस लिस्ट बनाई थी वो भी हटा दो, यानी जो मैंने एक्सेस लिस्ट 1 बनाई थी वो भी हटा दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि शो शो हम लोग शो भी कर सकते हैं। शो किस तरह कर सकते हैं, शो आईपी एक्सेस लिस्ट 1। तो अभी कोई एक्सेस, हमने सारी डिलीट कर दी है तो अभी कोई एक्सेस लिस्ट शो नहीं कर रहा। तो अब मैं दोबारा एक्सेस लिस्ट बनाता हूँ और डिनाई करता हूँ अपने PC3 को, ठीक है। अब वो मैं किस तरह करूँगा तो देखें, अब मैं लिखूँगा एक्सेस लिस्ट ठीक है, एक्सेस लिस्ट 1, दोबारा इसका नाम बन दिया 1 डिनाई, क्या करना है सिर्फ डिनाई 0.2 बस, कोई वाइल्ड कार्ड मास्क देने की या सबनेट मास्क देने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये लिखा और इंटर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, यानी इसके अलावा कोई और आपके पास IP है तो उसको परमिट कर देना, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, किस पे लगाना है इंटरफेस, इंटरफेस मुझे इसी पे लगाना है, इंटरफेस S001, ठीक है, ये मैंने बोला। फिर मैंने बोला क्या, फिर इसको ग्रुप कर दो, ग्रुप कैसे करते थे, IP एक्सेस ग्रुप 1 N, तो ये अब ACL द्वारा लग गया है, ठीक है। अब मैं आपको शो कर शो वाली कमांड चला के दिखाता हूँ, तो वो शो करेगा कि एक्सेस लिस्ट में क्या आया हुआ है, सही है। तो ये यहाँ से बाहर आया और मैंने यहाँ पे लगाया शो IP एक्सेस लिस्ट 1, तो आप देख सकते हैं बोल रहे हैं कि डिनाई करो होस्ट को, इसने खुद ही पता चल गया इसको कि डिनाई करना है इसको होस्ट को और परमिट करना है इसके अलावा जो भी IP आ रही हूँ। तो अब हम चला के देख लेते हैं, अब मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं इसको छोटा छोटा कर लेते हैं और फिर चला के आपको दिखाता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे पिंग, ठीक है, पहले मैं पिंग करता हूँ 11.0.0.3, ठीक है। अब 11.0.3 मेरे पास किस PC की IP है, वो मेरी इस PC4 की है, लेकिन मैंने इसको ब्लॉक नहीं किया, तो देखिए इसने रिप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको ब्लॉक किया है, यानी जिस पे 11.0.0.2 लगी हुई है, अब मैं इसको पिंग करता हूँ तो ये मैसेज नहीं आएगा, तो ये पिंगिंग हो रही है। टाइम आउट और फिर टाइम आउट और ये फिर टाइम आउट हो जाएगा और देखें मैसेज नहीं आया, यानी मैंने इस पर्टिकुलर होस्ट को ब्लॉक कर दिया एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की मदद से। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में पूरे नेटवर्क को ब्लॉक करना भी सिखा दिया और एक पर्टिकुलर होस्ट को भी ब्लॉक करना सिखा दिया कि किस तरह आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के ज़रिए। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट करिएगा, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।